अगर बात आती है टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में तो साउथ इंडिया का कोई भी मैच नहीं है। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक टूरिस्ट प्लेसेस देखने को मिल जाते हैं जिन्हें आप अपनी फैमिली या लव वंस के साथ विजिट कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं साउथ इंडिया के वो प्लेसेस जिनका फरवरी में विजिट कर सकते हैं। लेकिन लिस्ट को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो चलिए लिस्ट शुरू करें। नंबर 1, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार को विजिट करना हर किसी को काफी पसंद होता है, इसलिए लोग अंडमान एंड निकोबार को विजिट करने के लिए कभी भी चले जाते हैं। लेकिन जिस मंथ में यहाँ पर जाना सबसे ज्यादा सुटेबल रहता है वो मंथ है फरवरी का। ये जगह इंडिया की मेनलैंड से काफी ज्यादा दूर लोकेटेड है जिसको ट्रॉपिकल पैराडाइज भी कहा जाता है। यहाँ आप कुछ ऐसी चीज देख सकते हैं जो कि आपको पूरे इंडिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, और ये प्लेस कपल्स के बीच में भी काफी फेमस है। अंडमान एंड निकोबार उन लोगों के लिए भी काफी बढ़िया है जिनको अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा रिलैक्स चाहिए और जहाँ पर वो अपने फेवरेट वन के साथ जा सकें। और वहीं अगर बात करें यहाँ पर की जाने वाली एक्टिविटीज के बारे में तो आप यहाँ पर स्नॉर्केलिंग और स्कूबा डाइविंग जैसी वाटर एक्टिविटीज कर सकते हैं। नंबर 2, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप डे बाय डे एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट बनता जा रहा है जहाँ पर बीच लवर्स काफी आना पसंद करते हैं और यहाँ की खूबसूरती में खो जाते हैं। यहाँ पर आपको फ्लोरा एंड फौना की डिफरेंट वैरायटीज और ब्यूटीफुल व्हाइट बीच भी देखने को मिलती है जो कि इस प्लेस की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। यहाँ के दो आइलैंड काफी फेमस हैं, जिसमें से एक है अगाती आइलैंड जहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड है, और सेकेंड है बंगाराम जो कि टूरिस्ट के बीच में काफी फेमस होता जा रहा है। लक्षद्वीप को लोग अपनी फैमिली के साथ विजिट करना काफी पसंद करते हैं, और अगर आप भी फरवरी के मंथ में साउथ इंडिया को विजिट करने का सोच रहे हैं तो आप इस प्लेस को अपनी लिस्ट में ऐड जरूर कर लें। नंबर 3, अराकू वैली। साउथ इंडिया अमेजिंग हिल स्टेशंस के लिए काफी फेमस है और उन्हीं हिल स्टेशंस में से एक है अराकू वैली। ये हिल स्टेशन फरवरी के मंथ में और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है जिसे देखने लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। ये प्लेस आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम टाउन में लोकेटेड है जहाँ पर आपको रिच ट्रेडिशन और कल्चरल हेरिटेज देखने को भी मिल जाता है। लेकिन ये प्लेस सिटी एरिया से काफी दूर है, पर आप यहाँ पर ट्राइबल म्यूजियम, पद्मपुरम बोटेनिकल गार्डन्स और बोरा केव जैसी कमाल की चीजें देख सकते हैं। और अगर आप एक कॉफी लवर हैं तो फिर आप इस प्लेस को इस मंथ में विजिट करना ना भूलें। नंबर 4, पलक्कड़। पलक्कड़ को द ग्रेनरी ऑफ केरला और द राइस बोल ऑफ केरला के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर राइस काफी बड़े लेवल पर कल्टीवेट और प्रोड्यूस किया जाता है, और इसे पलगड़ के नाम से भी जाना जाता है जो कि केरला का एक फेमस टाउन है। यहाँ के अनएंडिंग स्ट्रेच ऑफ ग्रीन कार्पेटेड लैंडस्केप्स, पाम ट्रीज, अंडुलेटिंग हिली टेरेन्स और डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट टूरिस्ट को विजुअल ट्रीट देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। और अगर आप यहाँ कभी नहीं गए हैं और ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो यहाँ पर फेब में विजिट जरूर करें। आई एम प्रेटी श्योर कि यह आपके लिए काफी सरप्राइजिंग पैकेज रहेगा। नंबर 5, डांडेली। अगर आप वाटर बेस्ड एक्टिविटीज को पसंद करते हैं और एक ऐसी जगह की साउथ इंडिया में तलाश कर रहे हैं जहां पर आप वाटर स्पोर्ट्स का मजा ले सकें तो कर्नाटका का ये प्लेस आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। ये कर्नाटका की डिस्ट्रिक्ट उत्तरा कन्नड़ा में एक छोटा सा टाउन है। डांडेली में आपको वेस्टर्न घाट्स के थिक डेसीडियस वुडलैंड्स देखने को मिल जाते हैं, और इस प्लेस की इमेंस पॉपुलैरिटी के कारण यहाँ पर टूरिस्ट की कभी भी कमी नहीं होती है। डांडेली आने के बाद लोग खुद को यहाँ के व्हाइट वाटर्स में राफ्टिंग करने से नहीं रोक पाते हैं, और इसी वजह से इस प्लेस को इंडिया के बेस्ट राफ्टिंग प्लेसेस में भी गिना जाता है। नंबर 6, एलेपे। एलेपे साउथ इंडिया के मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में से एक है जिसको द लैंड ऑफ क्रीक्स भी कहा जाता है, और साथ ही साथ वेनिस ऑफ द ईस्ट भी। यहाँ की लश ग्रीनरी एंड एंचेंटिंग बैक वाटर्स सभी को स्पीचलेस कर देते हैं, और ये प्लेस साउथ इंडिया का एक परफेक्ट रोमांटिक गेटवे भी है जो कि अपनी हाउस बोट ट्रेवल के लिए पूरे इंडिया में काफी जाना जाता है। यहाँ पर आपको कई ऐसी जगहें मिल जाएंगी जहाँ पर आप इन हाउस बोट्स को हायर कर सकते हैं, और इनमें आप एलेपे टाउन को भी घूम सकते हैं। अपनी जर्नी के दौरान आपको यहाँ के कुछ ऐसे व्यूज भी देखने को मिलेंगे जो कि आपको पूरे इंडिया में शायद कहीं और ना मिले। तो बिना कोई देरी किए
इस प्लेस को फैब में विजिट जरूर करें। नंबर 7, कराईकाल। कराईकाल पांडिचेरी का एक टाउन है जो कि 1674 में एक फ्रेंच कॉलोनी था। ये प्लेस लॉर्ड शनीश्वरा टेंपल की वजह से भी काफी फेमस है और इसी रीजन से ये प्लेस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ साथ एक पिलग्रिम साइट भी बन जाता है। यहाँ पर आपको सैंडी बीचेस भी देखने को मिल जाते हैं और सैंडी बीचेस के साथ साथ आप यहाँ फ्रेंच कल्चर को भी एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ के बीचेस पर रिलैक्स कर सकते हैं और बे ऑफ बंगाल के बैक वाटर्स में बोटिंग कर सकते हैं। नंबर 8, बनवासी। क्या आप एडवेंचर की तलाश कर रहे हैं? अगर हाँ तो आप नॉर्दर्न कर्नाटका के बनवासी टाउन को विजिट कर सकते हैं। ये प्लेस वेस्टर्न घाट्स के फॉरेस्ट में सिचुएटेड है जो कि नेचर लवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट के लिए एक परफेक्ट गेटवे है। यहाँ पर आप हिल पर ट्रैकिंग के लिए भी जा सकते हैं, नियर बाय फॉरेस्ट को कैप्चर कर सकते हैं और वाइल्ड लाइफ के अमेजिंग ग्लिम्सेस को भी देख सकते हैं। पर हम काफी हद तक श्योर हैं कि आपने इस प्लेस के बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा, पर यकीन मानिए कि आपका यहाँ पर जाना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। नंबर 9, बंदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को विजिट करना पसंद करते हैं तो आप कर्नाटका के बांदीपुर नेशनल पार्क को विजिट कर सकते हैं जो कि कर्नाटका के चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। यहाँ पर आपको फ्लोरा एंड फौना की काफी अमेजिंग वैरायटीज देखने को मिलेंगी और इसी वजह से यहाँ पर काफी लोग आते हैं। फ्लोरा एंड फौना के साथ साथ आप यहाँ पर लार्ज एशियन एलिफेंट्स और टाइगर्स को भी देख पाएंगे और साथ ही साथ जीप सफारी का आनंद भी उठा सकेंगे। नंबर 10, यरकाउड। यरकाउड साउथ इंडिया का एक अमेजिंग प्लेस है जो कि फेब्रुअरी में घूमने के लिए काफी आइडियल चॉइस है। ये प्लेस तमिलनाडु के सेलम डिस्ट्रिक्ट में आता है और नेचर से भरपूर है। यहाँ पर आपको कई बेहतरीन चीजें देखने को मिल जाएंगी। यरकाउड एक हिल स्टेशन है जो कि अपने वास्ट कॉफी प्लांटेशन, सिल्क फार्म्स और वाटरफॉल्स के लिए भी काफी फेमस है। यहाँ पर आप पगोड़ा पॉइंट से इस जगह के पैनोरामिक व्यू को एक्सपीरियंस कर पाएंगे और लेक एमरल्ड एंड किलियोर वाटरफॉल्स जैसे प्लेसेस को भी विजिट कर सकते हैं जो कि आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहेगा। तो ये थे वो प्लेसेस जिनका फरवरी के मंथ में साउथ इंडिया में विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इन प्लेसेस को विजिट कर चुके हैं तो हमें अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी कुछ नए प्लेसेस के साथ। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग।